बड़ी चालाक निकली राजस्थान रॉयल और बहुत बेहतर एक कदम उठाया राजस्थान रॉयल ने, या कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल ने चल दी ये चाल, अब इस बार करेगी सभी को बेहाल। जी हाँ, राजस्थान रॉयल की जो टीम है ना, जब उसको हम देखते हैं तो एकदम अलग कूल अंदाज में नजर आती है, एकदम मस्त अंदाज में उनके खिलाड़ी नजर आते हैं। आप बात चहल की कर लीजिए, किस तरीके से वो सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं, जोस बटलर की कर लीजिए, किस तरीके से हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं, संजू सैमसन एकदम मस्त है, रियान पराग उनकी टीम में एक और दूसरे नमूने हैं जो बेहतर तरीके से हंसते खिलखिलाते रहते हैं। लेकिन आईपीएल 2023 से पहले राजस्थान ने एक और ऐसा काम किया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। दरअसल ये आपको पता है कि 2022 में राजस्थान खिताब जीतने से चूक गई थी, वो उपविजेता थी और फाइनल में उसको गुजरात के हार का सामना करना पड़ा था। संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जो कमी पिछली बार रह गई थी उस कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान रॉयल ने अपने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाना शुरू कर दिया है, उन्हें फ्रेश करना शुरू कर दिया है, तरोताजा करना शुरू कर दिया, और उसके लिए राजस्थान ने एक बड़ा कदम उठाया। जाहिर तौर पर इस कदम की बड़ी चर्चा हो रही है। राजस्थान ने दरअसल आईपीएल शुरू होने से कुछ दिन पहले एक पार्टी की, उस पार्टी में राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं वो गंगनम स्टाइल में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें आपको रियान पराग भी मिल जाएंगे, उसमें आपको करियप्पा भी देखने को मिल जाएंगे, और भी काफी खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं और मस्त तरीके से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे क्या लगता है, इससे यह पता चलता है कि राजस्थान की टीम किसी टेंशन में नहीं है, वो फ्रेश माइंड से आईपीएल में जाना चाहती है, फ्रेश माइंड से आईपीएल को खेलना चाहती है, और उसके जो खिलाड़ी हैं ना वो एकदम बिना किसी टेंशन के मैदान पर उतरना चाहते हैं, ताकि उनको जो पिछली बार का सपना अधूरा रह गया था वो सपना पूरा हो सके। उसके बाद में एक वीडियो आर अश्विन की भी सामने आई। आर अश्विन ने टीम के सभी मेट्स को और सब तमाम मेंबर्स को खड़े होकर कुछ बातें बताई, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं आपको पता है जाहिर तौर पर आर अश्विन, तो आर अश्विन की ये वीडियो भी वायरल हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक सीनियर खिलाड़ी ने जीत का जो एक मंत्र होता है वो मंत्र आर अश्विन ने राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया, और कप्तान संजू सैमसन भी बैठे थे, संगकारा भी सामने बैठे थे, सभी को उन्होंने अपनी बातें बताई। तो एक सीनियर खिलाड़ी के होने के नाते जो तजुर्बा उनके पास है वो तजुर्बा उन्होंने बताया। इससे पता चलता है कि राजस्थान की टीम इस बार ना केवल मेंटली बल्कि फिजिकली भी फिट होकर मैदान पर उतरना चाहती है और शानदार प्रदर्शन करना चाहती है। तो आपका राजस्थान के इन दोनों स्टेप पर क्या कहना, जिस तरीके से पार्टी कर रहे हैं खिलाड़ी, आईपीएल से पहले जमकर डांस कर रहे हैं, अश्विन से उन्होंने टिप्स लिए, इन दोनों को लेकर आपको क्या करना, क्या आपको लगता है कि इस बार राजस्थान की टीम एक अलग माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरेगी और जो कमी पिछली बार रह गई थी उसको पूरा करने में कामयाब होगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।